हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, गूगल शीट सीखने की इस सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है गूगल शीट की। गूगल शीट में आज हम क्या सीखेंगे ये आपको बताता हूं। देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट का नाम, ठीक है, नेम ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे टाइटल दिया गया है, फिर यहाँ पे प्राइस लिखी गई है। अब हम इस प्राइस को चाहते हैं कि ये करेंसी फॉर्मेट में आ जाए, मीन्स इंडियन रुपीज के फॉर्मेट में आ जाए। तो आप सीधा सीधा कहां चले जाइए, फॉर्मेट टैब पे चले जाइए और यहां से नंबर पे आ जाइए। और यहां नीचे आएंगे ना, तो जैसे जैसे ये करेंसी पे क्लिक करेंगे तो यहां पे करेंसी आ जाएगी, ठीक है। और यहां नीचे थोड़ा सा और स्क्रॉल अगर करेंगे तो ये डॉलर में है करेंसी, नीचे थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो यहां आपको मिलेगा इंडियन रुपीज। तो बस इसी इंडियन रुपीज पे क्लिक कर दीजिए, आपका जो भी हो करेंसी आपके कंट्री का उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर सिंपली ये दिया हुआ है नेम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब नेम ऑफ प्रोडक्ट यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो ये टाइटल हमने पूरा ले रखा है। अगर आपने टाइटल नहीं लिया तो आपको फॉर्मूला लगाने के दौरान टाइटल भी लेना होगा, ठीक है। तो हम अपने कर्सर को रखते हैं यहां पे और अब इज इक्वल टू का निशान लगाते हैं, क्योंकि हमें यहां पे सीखना है लुकअप फॉर्मूला। वी लुकअप सीख चुके, एच लुकअप सीख चुके, ठीक है। तो यहां पे लुकअप लगाते हैं, तो जैसे ही लुकअप टाइप करेंगे, एल डबल ओ के टाइप करते हैं, तो यहां पे लुकअप ऊपर हाईलाइट हो जाता है। अब हम टैब बटन प्रेस कर देंगे ताकि यहां पे लुकअप फॉर्मूला अप्लाई हो जाए, ठीक है, अप्लाई करने जा रहे हैं, दैट्स वाई यहां पे ब्रैकेट को ओपन कर लिया हमने। यहां पर इस लूप का हमें प्राइस पता करना है, ठीक है, कॉमा लगाते हैं और यहां से क्या करेंगे, ये पूरा डेटाबेस आपको सेलेक्ट करना है। अब देखिए, मैंने तो हेडिंग ले रखा है, अगर आपने हेडिंग नहीं लिया हो तो आपको पूरा लेना होगा, ठीक है। तो यहां से आप क्या करिएगा, इसे सेलेक्ट करिएगा, ये जो डेटाबेस है ना, इसको आप आसानी के साथ सेलेक्ट कर लीजिए। और सेलेक्ट करने के बाद आपको कॉमा लगाना है, हमें पता क्या करना है, हमें प्राइस पता करना है ना, तो आप पूरे प्राइस वाले जो ये सेलेक्ट कर लीजिए लाइन से, ठीक है, ये पूरा एक ही बार में सेलेक्ट कर लीजिए, यहां पे इसका सेल एड्रेस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है, ठीक है। तो यहां पर ये नॉट एप्लीकेबल एरर आ रहा है, इसके बारे में मैंने आपको एक्सेल के एक वीडियो में बताया था कि नॉट एप्लीकेबल एरर क्यों आता है, एन ए एरर आखिरकार आता क्यों है। यहां पर तो इसको कोई वैल्यू मिल नहीं रही है जिसकी वजह से ये एन ए एरर आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पे टाइप कर देता हूं एम ओ यू एस ई माउस, ठीक है। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर प्राइस क्या आ रहा है, ये देखिए, ये प्राइस आ रहा है, देख सकते हैं, ओके, ये प्राइस आ रहा है माउस का, देख सकते हैं। अब यहां पर ये गलत आ रहा है, आपको पता है। अब ये गलत क्यों आ रहा है, हमने फॉर्मूला तो बिल्कुल सही लगाया, इस तरह की कंफ्यूजन शायद आपको भी हो जाए, तो यहां से इसको हटा दीजिए। अभी हम क्या करेंगे, इस पूरे डेटा को कर लेते हैं सेलेक्ट यहां से और ए टू जेड के क्रम में इसको शॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो वापस से चलते हैं डेटा टाइप पर और यहां पर शॉर्ट दिया हुआ है तो ए टू जेड के क्रम में इसको शॉर्ट कर देते हैं हम, तो ये शॉर्ट हो गया। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये माउस लिखा हुआ है मैंने, अब यहां पर वो फॉर्मूला मैं वापस से अप्लाई करता हूं, लाइक लुकअप अप्लाई करता हूं, तो ये लुकअप अप्लाई किया हमने और यहां से हम सेलेक्ट करेंगे माउस को, ठीक है। अगर इसमें कोई भी वैल्यू नहीं देंगे, यहां पर जहां पर माउस लिखा हुआ है ये कर्सर देख सकते हैं आप, अगर इसमें कोई भी वैल्यू आप नहीं देते हैं तो आपका आएगा एन एरर, ठीक है, ये तो मैंने पहले ही बताया। अब इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए और कॉमा दीजिए और फिर हमें क्या पता करना है, प्राइस पता करना है, तो प्राइस वाला पूरा सेलेक्ट कर लीजिए आप इस तरीके से, ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो अब आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा, देख सकते हैं माउस यहां पे 120 रुपए, ठीक है। अब यहां पर डेटा मैं चेंज करता हूं, लाइक माउस हटा देता हूं, देखिए जैसे मैंने हटाया तो यहां पर इसको कोई वैल्यू नहीं मिली तो एन एरर आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर मैं डेस्कटॉप कर देता हूं, तो यहां मैं टाइप करता हूं डी ई एस के टी ओ पी, डेस्कटॉप टाइप कर दिया और एंटर प्रेस किया, जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहां डेस्कटॉप की कीमत आएगी, देख सकते हैं लुकअप फॉर्मूला इस तरीके से काम करता है। अब मान लीजिए आपको यूनिट पता करना है, तो यूनिट कैसे पता करेंगे, तो इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे फिर यहां लिखेंगे लुकअप, तो ये लुकअप आ गया और जैसे ही लुकअप आएगा तो हमें क्या करना है, डेस्कटॉप का यूनिट पता करना है कि हमारे पास कितनी अवेलेबल है। अब ये रेंज बड़ी छोटी है, आपके पास बहुत बड़ी रेंज भी हो सकती है, ठीक है, कॉमा लगाते हैं और टाइटल को छोड़ करके बाकी पूरा डेटा कर लेते हैं सेलेक्ट, ठीक है, ये सेलेक्ट कर लिया, कॉमा देंगे, इस बार हमें क्या पता करना है, यूनिट पता करना है, तो यूनिट वाला पूरा ये सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए, तो आप देखेंगे कि डेस्कटॉप की दो यूनिट्स अवेलेबल है, तो यहां पर देख सकते हैं डेस्कटॉप की कितनी यूनिट अवेलेबल है, दो यूनिट। अब यहां पर मैं थोड़ा सा चेंजिंग करता हूं, अब डेस्कटॉप के बजाय मैं क्या कर देता हूं, यहां पर कर देता हूं माउस, एम ओ यू एस ई माउस लिख करके जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि उसी के अकॉर्डिंग ये भी चेंज हो जाएगा, देख सकते हैं यहां पे थ्री यूनिट है, यहां पर भी थ्री यूनिट है, आप देख सकते हैं,
ओके, आई होप कि कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी। लुकअप फॉर्मूला भी बहुत अच्छा है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आपसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।